तो चौड़ा जंगल को शिकार खेलने गया है और हमारा दिल कहता है यहीं पे कचहरी बंद की जाए नहीं। और सुवेरा फिर होते हैं क्यों नहीं। ठीक है, रात दरबार को बंद करते हैं और होते सुबह फिर देखा जाएगा। ठीक है, और जावे प्यारे लाल ने और बनवे पिए और चौदह बार सजा लाल ने बिताने मेरे लाल। हेलो, हाय राजा उड़ता पी प्यारा डारो मारी भोला रे हमारी नींद हारे। राजा उड़ता पी प्यारा डारो मारी भोला रे हमारी नींद हारे। हेलो हेलो, तो संजा चुनला लाया रते और क्या दे हनुमान आए क्या चुनले दिया कसे ध्यावत और मनावत हो प्रकाश करो तेरे हित कारे बड़ी वाली नहीं आई वो रामा गजब भयो चलो फिर बता
नानी नानी बुंदिया रे सावन का झूला रे मैं जान सकती कि आप लोग क्या गा रही है? मैं सावन गा रही हूँ। क्या यानी सावन का महीना लगा हुआ है और आप लोग सावन गा रही हो? जी हाँ, खुशी से गा रही हूँ। देखो सखी, क्या है? क्योंकि मेरा भी दिल मचल गया है आपके गीत सुन के, मैं भी आपके साथ में गाना चाहती हूँ और सावन झूमना। हाँ, सावन वही गा सकती है जिसकी शादी हो गई है। मेरी शादी हो गई, मैं सावन गा सकती हूँ। मेरे दो एक बच्चे हैं। क्या शादी और बर्बादी सब हो जाए तो हम सावन गा सकते हैं, बाकी ना जा सकते कोई। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी शादी हो गई? देखिए, मेरी शादी तो भी नहीं हुई है। हाँ, गाना समझ लो, जब मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरा गाउन कहाँ से होगा? आप झूला नहीं झूल सकती हो। ए, जब तुम्हारी शादी नहीं होता तो झूला बिल्कुल नहीं झूल सकती हो। यहाँ जिस लड़की की शादी शुदा होती है वही सावन गा सकती है और वही झूला झूल सकती है, और जिसकी शादी नहीं होती है नहीं तो झूला झूलेगी नहीं तो सावन गाएगी। ए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे की तो बहना तुमरे, अरे धरे तमती, अरे की तो बहना तुमरे, अरे धरे तमती, अरे की तो तुमरे मालूम नहीं तू किससे बात कर रही हो। अरे मुख की तो जिबिया सखिया मौका बिची रोटे, अरे मुख की जिबिया मुख बिची रोटे, और हाले बची सौदाद मेरे यन धनी तमती, अरे ना तो कोई अन धनी तमती, ना तो राही बुलती ही ना।
सखी तुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं क्षत्रिय कुल की सहजादी हूँ। हमारे पास मालिक ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दी हुई है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये बताओ आखिर तुम्हारी शादी किस कारण से नहीं हुई? देखो सखी, क्योंकि हमारे क्षत्रिय कुल की परंपरा ये चली आई है, क्योंकि हमारे तो मम्मी और पापा से और भाई से मैं सर उठा करके तो नजर नहीं मिला सकती और शादी की तो बात दूर है। लेकिन फिर भी सखी मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? सुनिए मेरी बात। अरे कोई तो जतनिया बहना हाँ मई बती लावो, अरे जाके कहियो अपने मैया से, अरे जाके कहियो अपनी मैया से, अरे जब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारी शादी करवा देगी, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरी तरह तुम भी सावन गा सकोगी। क्योंकि सखी तुम मेरी एक बचपन की सहेली हो, और तुमने ऐसी जतन मुझे बतलाई है कि मैं पानी माँ के पास जाऊंगी और मैं पानी मैया से अर्ज सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ मेरी शादी वैसे करा देगी। ठीक है सखी, मैं शीघ्र ही जाऊंगी पानी माँ के पास और मैं मैया से अर्ज जरूर अपनी लगाऊंगी। ठीक है जा, हो सकता है मेरी माँ शादी करा देगी तो मैं शीघ्र ही आऊंगी सुनाने के लिए, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने शोहर को संग में ला कर आना। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। क्योंकि हमारी शादी जब से हो गई है तब से मैं पति के ही ख्वाब में सोया करती हूँ। आग लगे तन मन में जब पानी बरसे आए, ऐसे में आ जा बेदर्दी सावन के दिन आए, ऐसे में आ जा बेदर्दी सावन के दिन आए। आग लगे तन मन में जब पानी बरसे ऐसे में आ जा, ऐसे में आ जा बदली स।
ऐसे में आ जा जा, ऐसे में आ जा बेदर्दी, सावन के दिन आए, ऐसे में आ जा बेदर्दी, सावन के दिन। इधर देखो कैसर अपने माता जी के पास जा रही है और देखो उनसे क्या बातचीत करती है। हेलो, अरे नंद जी के आंगना मोरे द्वारे बधाई बाजे, नंद जी के आंगना मोरे बधाई बाजे, बधाई बाजे, बधाई बाजे, नंदा जी के आंगना हो, नंदा जी के आंगना मोरे द्वारे बधाई। पंखी जो होती तो मैं उड़ जाती, नंदी बाबा के द्वार, उमर उमर मेरे जीवड़ा रोवे, बैठूं की तार लाल मेरे रोवत होई गो, कि भूखे सोवत होई गो, लाल मेरे रोवत होई गो, कि भूखे धारी
होइगो न जाने कैसे राखत होइगे इस मेरा नंदी लाल लाल मेरे रोवत होइगो कि भूखे सोवत होइगो लाल मेरे रोवत होइगो क्या बताऊं मेरे स्वामी जी अभी तलक मेरे महलों को नहीं आए हैं और मैं महल में बैठूंगी फिर इंतजार करूंगी। देखिए उस्ताद हेलो अरे बैठी रानी है महल लाली। हाँ भैया देखिए बेटी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ माँ? सुनो मेरी बात। अरे कैसे तो आयु बेटी तुम ललमा
जब जब महलों को आती थी तो हंसते मुस्कुराते आती थी, आज उदासी का कारण क्या है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। देखिए मैया, मैं जिस कारण आपके कक्षिक में आई हूँ, क्यों नहीं और क्या मेरा उदासी का कारण है माँ, मेरी उदासी का कारण आप जानना चाहती हो? क्यों नहीं, मैं आपको अवश्य बतलाऊंगी मैया। बोले सुनिए मेरी बात। और बोले मेरी बेटी। अरे सुनिए तो मैया,